फ्राई देना है इसको, तो पहले मैं इसमें बड़े बॉल में डाल लूँ। ये इस तरह से आ गए बड़े बॉल के अंदर। और ये जो है ना, सब ये सब मिस कराओ यार, ये मैंने बहुत फैला दी है, अभी गालियाँ भी पड़ेंगी। और यहाँ पहुँचते ही ये जो है ना अब्दुलरहमान, इसने दे दिया है मुझे ड्राइंग बनाने का टास्क। ये देखो, ये कह रहा है मुझे ड्राइंग बना के दो यहाँ पे। या बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए हमारे पास पेजेस वगैरह होते हैं। सलाम वालेकुम पब्लिक, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज का व्लॉग जो है अपना एक है वापस से डेली रूटीन, और इसको आप कह सकते हो आई डे इन माई लाइफ व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग कुछ ऐसा है कि अभी तकरीबन ना सुबह के 12 बज रहे हैं और मैं उठ गया हूँ, और अभी जो है ना एक जगह काम से जाना है तो वहाँ जा रहा हूँ, और वो सरप्राइज़ है, वो बताऊँगा बाद में, अभी नहीं बता रहा। एक जगह जा रहा हूँ और उसके बाद आके फिर एक जगह इब्राहिम के साथ जाना है, तो उससे पहले जो है वहाँ जाएंगे इब्राहिम की तरफ और देखते हैं इब्राहिम हमें कहाँ लेके जाता है, क्योंकि इब्राहिम ने बोला यार एक जगह जाना है, तो लेट्स सी ये कहाँ लेके जाता है। तो यार वीडियो आप लोग देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अभी जो है ना मैं आ गया हूँ जहाँ मैं गया था वहाँ से, और थोड़ा सा नहीं बता सकता अभी कि कहाँ गया था। तो ये देखो हेलमेट हेलमेट भी रखा हुआ है पीछे, और जो है ना अभी अभी बस मैं घर पे आया, तो मैंने कहा कि यार वीडियो को कंटिन्यू करके बताया जाए। अच्छा अभी सीन ऐसा है कि अभी यहाँ से मैं जाऊँगा इब्राहिम के पास, आप लोगों को तो इब्राहिम का सबको पता है, इब्राहिम और मैं साथ ही रहते हैं भाई। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ और उसके साथ एक जगह जाना है वीडियो बनाने, तो वो वीडियो भी कल अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगी। तो वहाँ पे जाते हैं, उस इब्राहिम से मिलते हैं, वीडियो बनाने भी जाएंगे, और एक और चीज़ भी है वो भी आपको दिखाते हैं वहाँ जाके। अच्छा तो भाई इब्राहिम के पास मैं तकरीबन पहुँच चुका हूँ, और अब हम उसके बाद जाएंगे एक जगह, वो आपको इब्राहिम में बताएगा आगे। बस तो इब्राहिम के पास ही पहुँच रहा हूँ। अरे भाई डोगेश आ गया, अभी सामने डोगेश आ गया था। वही इब्राहिम जो है ना थोड़ा सा आज इंटेंस हुआ हुआ है, इस वजह से कि जो है उसने मुझे बोला था कि हमने जाना है कहीं बाहर खाने के लिए। वही अब उसका प्लान हो चुका है, तो वो प्लान अभी देखते हैं वो क्या बताता है, और वो जब प्लान बताएगा तो फिर ज़ाहिर उसको एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो तो बनानी है भाई। तो चलो इब्राहिम को सामने में लेके चलता हूँ। अच्छा भाई अभी अभी जो है ना मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ पहुँचते ही ये जो है ना अब्दुलरहमान, इसने दे दिया है मुझे ड्राइंग बनाने का टास्क। ये देखो, ये कह रहा है मुझे ड्राइंग बना के दो, देख रहे हो मानी ड्राइंग अपने खुद क्यों नहीं बना रहा, कह रहा है मुझसे बन नहीं रही, अब आप बना के दो। अब ये जो है ना, ये है इसकी पूरा माउथ है, और मुझे पता नहीं ये क्या चीज़ है, टेस्ट बड्स, टेस्ट बड्स की बनानी, और कोई ऐसा लग रहा है मैं कोई डेंटिस्ट एग्जाम एग्जाम दे रहा हूँ मैं। ये बनाता हूँ फिर इब्राहिम आ रहा है उसके साथ, फिर बाहर जा रहे हैं कहीं, इब्राहिम लेके जा रहा है, वो आ जाए तो बताएगा कहाँ जा रहे हैं। अच्छा भाई अब सीन ऐसा है कि ना इब्राहिम जो है आ गया, मार्केट गया हुआ था कुछ सामान वगैरह लेना, तो इससे पता करते हैं हम कहाँ जा रहे हैं और इसने क्यों फूड स्टेट कैंसिल किया, भाई क्या ऐसा मसला है। हाँ भाई इब्राहिम क्या सीन है आज का? तो गाइस ऐसा सीन है कि हमने फूड स्ट्रीट को असली बंद किया है, क्योंकि आपको पता चल रहा है आजकल चल रहा है 12 रुपया का ट्रेंड। हाँ सही है, 12 रुपया का ट्रेंड चल रहा है, तो आपका भाई अभी तक मेरे को लगता नहीं है किसी यूट्यूबर ने डाली है 12 रुपये की वीडियो, और हम 2 से 3 वीडियो डाल चुके हैं और शॉर्ट वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। सही है, मतलब पूरी तरह आपको इंटरटेन वो कर रहे हैं, कहते हैं इंटरटेन कर रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, गला बहुत खराब है। तो सही है भाई, आज हम चल रहे हैं बाहर दोबारा 12 रुपये को, 3 नंबर की पूरा जितने भी रौनक है ना 12 रुपये सारे 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 स्टॉल स्टॉल सब सारे स्टॉल दिखाएंगे। अच्छा भाई अभी चल रहे हैं 3 नंबर, और ये देख लो रेडी हैं, हम बस निकल रहे हैं, इसका फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं, और आज सारा कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जैसे आप देखते थे ना फूड स्ट्रीट को, आज हम करेंगे 3 नंबर की, थोड़ा सा चेंज करेंगे यार, अब चेंज करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, लाइक कर नहीं रहे हो, कैसे आएंगे बस यार, करो यार कोई डॉलर शोलर आए। अच्छा तो भाई अभी अभी पहुंच गए हम ना यहाँ पर शाह फैसल 3 नंबर में, बड़ा खूबसूरत सा है, देखे मेरे तो स्टॉल लगा हुआ है पीछे, तो अभी यहाँ पे बाबा जी बैठे हैं, इनसे इंटरव्यू लेते हैं और उनका ना आपको सारा सीन बताते हैं, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है, चलते हैं बाबा जी के पास। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम अंकल, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अंकल। ये 12 रबीउल अव्वल का आपने स्टॉल लगाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा, तो मुझे आप ज़रा बताएंगे कि आपने ये कब से लगाया स्टॉल?
लकड़ी हमारे को लगाते थे उसको 40 साल का अर्सा हो गया माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अंकल ये बड़ी खूबसूरत सी ना ये चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो आप मुझे बारी बारी बताएं कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे। या बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए हमारे पास बेजीज वगैरह होते हैं। सही है, बने हुए होते हैं। ठीक है, और थोड़ा बच्चों की बालियाँ होती हैं, बोलियाँ होती हैं। सही है, बालियाँ रखी हुई हैं। अच्छा, ये मुद्दे रखे हुए हैं इसके अंदर, रखे हुए हैं इसके अंदर, और बच्चों के इमामे शरीफ रखे हुए हैं। अच्छा, गुम्बद है फिजरा है, घर को सजावट के लिए होता है, ये भी घर को सजावट के लिए होती है। देखो तो इसे आपके तो ऐसे लोग अपने घर को सजाते हैं, हमारे घर से घड़ियाँ होती हैं। सही है, ये झालरें होती हैं इसके अंदर, बारूस लगे हुए होते हैं इसके अंदर। अच्छा भाई माशाल्लाह। वो चाइना क्या तरीके से बनाना चाहते हैं वो लेके जाते हैं आके रसूल। सही है, और अपने घर को माशाल्लाह से सजावट करते हैं नबी बाबू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल खोल के जो ना खर्चा भी करते हैं और माशाल्लाह रियाज भी करते हैं और अपने घरों को महफिलों को सजाते हैं। चले अच्छा भाई, बड़ा प्यारा सा अंकल ने हमें इंटरव्यू दिया है, अब मैं आपको जरा ना चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो ये अंकल बैज आएंगे ना? जी बेजेज हमारा है। हाँ भाई ये देखें, ये बैजेज हैं, खूबसूरत बैजेज हैं माशाल्लाह। ये देखें ये कितने प्यारे बैजेज हैं, इस पर मदीना शरीफ बना हुआ है माशाल्लाह से। ये देखें। अच्छा तो भाई अंकल ने आपको सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बता दिया है, और अब हम जो है जा रहे हैं वापस घर की तरफ, और घर की तरफ जाते हैं और उसके बाद आज की वीडियो को एंड करेंगे। थोड़े से घर पर कुछ काम है, वो सारे काम अपने निपटाएंगे और फिर वीडियो को आज के एंड करेंगे। उससे पहले आपको एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए, लाइक करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा तो भाई वहाँ से आ गया तो जो है ना अभी भूख लग रही थी, और घर पर जो है खाना वाना बना हुआ था, लेकिन यार सुबह खाया था ना तो दिल चाह रहा था कुछ जो है ना फ्राइज़ वगैरह कुछ खाए जाएँ। तो अभी फ्राइज़ जो है मैंने कटिंग तो कर ली है, ये देखो आलू मैंने काट लिया पूरा ना, तो अभी मैं बनाने लगा हूँ, फ्राइज़ बनाता हूँ, और यहाँ पे चाय भी बन रही है साथ साथ, तो फ्राइज़ वगैरह खा के फिर आप लोगों से मिलता हूँ। आई मीन बना लूँ फिर दिखाऊँगा कैसे बनाएं, क्योंकि ये देखो ऐसे, और इसमें क्या क्या डालूँगा वो भी दिखाता हूँ, अब चेक करना मैं कैसा फ्राइज़ बनाता हूँ। अच्छा भाई जहाँ तक रही ना बात फ्राइज़ की मेकिंग की, तो अब देखो सबसे पहले जो है ये जो फ्राइज़ है ना, इसको तो पहले मैं इसमें बड़े बाउल में डाल लूँ, ये इस तरह से आ गए बड़े बॉल के अंदर, और ये जो है ना सब ये सब मिस कराओ यार, ये मैंने बहुत फैला दी है, अभी गालियाँ भी पड़ेंगी। और जो है उसके बाद ना ये चेक करो, ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगा फाइन आटा भाई, ये भी अब चेक करना, ये फाइन आटा आ गया। उसके बाद ज़रा सा नमक, सही है नमक डल गया। अब बारी है ब्रेड क्रम्स डालने की, सही है अब इसमें आएंगे ब्रेड क्रम्स, ये ब्रेड क्रम्स आ गए। अब जो है ना ये कुछ इस तरह का हो गया, अभी इसको हम मिक्स करेंगे पहले तो। अच्छा भाई चाय जो है ना ये बस कंप्लीट हो जाए, तो फिर हम फ्राइज़ को रखते हैं और इनको बनाते हैं। अच्छा तो भाई फ्राइज़ हो गए रेडी, ये देखो ऐसा ज़बरदस्त लग रहे हैं, फ्राइज़ रेडी हो गए हैं, और जो है अब मैं फ्राइज़ खा रहा हूँ, और फिर आप लोगों से फ्राइज़ खा के मिलता हूँ मैं, जो चेक करूँ।